गुड मॉर्निंग। सो सुबह का टाइम, बारिश हो रहा था, आज था सैटरडे, मुझे याद है क्योंकि हम लोग इवनिंग में मंदिर गए थे। सो स्टार्ट हो गया था बारिश। एंड होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ, हम लोग सब ठीक ठाक है। बारिश हो रहा था, अच्छा लग रहा था। मतलब ये बहुत लेट ब्लॉग है, लेकिन फिर भी अभी मुझे याद आ रहा है उस टाइम बहुत धूप हो रहा था एंड बीच में ये बारिश आ गया था, तो खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे ऐसे ही लग रहा था बहुत बारिश। अभी तो बारिश हो के भी छूट गया एंड अभी थोड़ा सा धूप भी आ गया है, गर्मी लग रहा है अभी तो। यही मैं देख रही थी एंड शाम को गए थे मंदिर एंड फिर आ गए लेंसकार्ट। मैंने देखा कुछ क्या पसंद है क्या नहीं है, बहुत कुछ ट्राई किया क्योंकि मेरे आँख में कभी कभी इचिंग होता है ज़्यादा मोबाइल देखने से। एंड आई टेस्ट भी किया है लेकिन ऐसे कुछ लगा नहीं मुझे पावर, तो ये एक खुशी था। दो बार मैं चेक करवा चुकी हूँ, पहले भी एक बार की थी, वो उस टाइम भी कुछ नहीं आया, इस टाइम भी। तो इसीलिए मुझे एक ब्लू लेंस चाहिए था। बहुत सारा मैंने ट्राई किया एंड फिर तो ऑर्डर करके आए पिंटू के और मेरे खान। अभी आके पहुंच गए थे डी मार्ट, जो कि नया ओपन हुआ था एक दूसरे साइड में। तो वो जगह का नाम एक्चुअली मुझे प्रॉपर पता नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बोल पा रही हूँ यहाँ पे। एंड कुछ कुछ सामान था वो सारा लेके हम लोग आए, फिर खाए पानी पूरी। पानी पूरी देखने से मन करता है। एंड यहाँ पे देखिए ये एकदम आर्ट किया हुआ जैसे कि पेड़ लग रहा है, तो मैंने वीडियो बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक भी पत्ता नहीं था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो देख सकते हैं आप कितना ग्लो करता है ये सारा पत्ता, एकदम शाइन करता है, बहुत अच्छा लगता है ये दिखाने के लिए। एंड नेक्स्ट डे ऐसे ही वेदर था, एकदम धूप था लेकिन हवा इतना सुंदर चल रहा था ना, मैं इसका वीडियो ना बना के नहीं रह पाती हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार, मुझे एक तो प्लांट्स बहुत पसंद है एंड ये एक ही ओपन करने से विंडो घर एकदम ठंड हो जाता है क्योंकि बहुत हवा चलता है, तो कभी कभी मैं बंद करती हूँ क्योंकि मैं जब कुक करती हूँ ना तो गैस कभी कभी बंद हो जाने जैसे होता है, फ्लेम इधर उधर हो जाता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा देर में जब कुक कर रही हूँ बंद कर देती हूँ। लेकिन ये विंडो नहीं, जो पीछे की तरफ है किचन का जो डोर है, तो उसे मैं कभी कभी बंद कर देती हूँ। एंड यहाँ पे चल रहा है मेरा काल में ले गया एक थी बे लीव्स, तो इसको भर रही हूँ क्योंकि इसमें नहीं था। अभी बिठाई हूँ टी एंड टी खाऊंगी इडली के साथ क्योंकि पिंटू लेके आए थे इडली। टाइम था लंच का, तो यहाँ पे बन रहा है बेसन का करी जो कि पिंटू को बहुत बहुत पसंद है। भेज में क्या पसंद है बोलो तो, उनका फेवरेट है ये बेसन का करी, तो बेसन बना रही हूँ अभी। इसे मैं छोटा छोटा पीसेस करके फिर फ्रिज में रखूँगी क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होने से इसको फ्राई करने के लिए अच्छा रहेगा। एंड करी में भी इतना जल्दी ये डिजल्व नहीं होगा, नहीं तो पूरा मिल जाता है एंड ये पूरा बेसन मतलब नहीं रहता है गोटा गोटा, तो इसलिए मैं इसको छोटा छोटा पीस करके अंदर रखूँगी। एंड इसी टाइम में जब तक ये थोड़ा सा हार्ड ना हो जाए तब मेरा छोटा मोटा जो भी काम है मैं इसको निपटा लेती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा है उस दिन से, घर से आके मैंने ठीक से नहीं किया है। ये देखिए छोटे छोटे पीस कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए, मुझे बहुत अच्छा है। थोड़ा बड़ा पीस इसको रखिए क्योंकि ये बहुत मिल जाता है झोल में, तो इसीलिए बड़ा पीस रखने से अच्छा रहता है एंड इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी है। पिंटू बैठ के घर में काम कर रहे हैं तो मैं जा रही हूँ ऊपर, बहुत ज़ोर का धूप हो रहा था एंड ऊपर जो भी कपड़ा हम लोगों का सूखा है वो लेके आऊँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पिंटू को भी दिखा दिया, देखिए बैठ के कैसे ये काम कर रहे हैं।
एंड वो रूम का बेड एकदम मैसी होके पड़ा है, उसको भी मुझे साफ करना है। बहुत जोर का धूप हो रहा था, क्योंकि बारिश छूटने के बाद जो धूप होता है ना वो एकदम डिफरेंट होता है, वो टॉलरेट करना मुश्किल है। इतना लेके मैं आई हूँ नीचे, तो उस टाइम तक मेरा हालत ख़राब हो जा रहा था, इतना मतलब हार्ड हो रहा था वो धूप। तो ये सारा लेके चलूँगी, अभी छोटा मोटा काम और भी कुछ बाकी है उसको निपटाऊँगी, इसके बाद मैं करूँगी करी, क्योंकि करी इतना टाइम नहीं लगता है। एंड देखिए यहाँ पे फ्लावर्स कितना अच्छा लगता है बेंगलोर में, ये चीज़ बहुत सुंदर है, प्यारा है, जहाँ भी देखो पेड़ पेड़। रहने के लिए आप मन में एकदम खुशी खुशी लगेगा, हर टाइम हैप्पी फील होगा। मार्केट जाओ, जहाँ भी जाओ, चारों तरफ आपको पेड़ ही दिखेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। एंड ये इसको गिरा के अभी फैन दे दी, क्योंकि इतना हीट था ना, उसको फोल्ड करके रखने के लिए अभी भी वो ठीक नहीं लगेगा मुझे, इतना हीट है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ठंड होने के बाद हवा चल के नॉर्मल हो जाए कपड़ा, इसके बाद ये मेसिन अभी पड़ा है ऐसे ही, बहुत दिन से ये बाहर है ना तो बालकनी में, तो इसीलिए ये एकदम गंदा होके पड़ा है। तो इसको थोड़ा सा मैंने साफ़ किया अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर एक कवर था, पिंटू इसको उठा के उसको साफ़ कर दिए। वो कवर रहने से अच्छा है, हम लोग जब भी जाते हैं तो कहीं पे ये एकदम कुछ ख़राब नहीं होता, जैसे ऐसे रहता है। एंड इसको मैंने साफ़ कर दिया, अभी चलती हूँ करी बनाऊँगी। टाइम था इवनिंग की, एंड आए थे शॉपिंग के लिए, वो भी पिंटू के लिए, क्योंकि पिंटू के चाइल्डहुड फ्रेंड का शादी है, तो पिंटू ना जाके नहीं रह पाएंगे, एंड मुझे लेके नहीं गए थे, अकेले गए थे, अकेले जाके आ गए। एंड अभी टाइम था, थोड़ा बहुत शॉपिंग हुआ है मेरा, नहीं पिंटू के, जो भी कुछ है मैरिज के लिए। एंड अभी टाइम था, हम लोग थोड़ा बहुत घूमे, रात का खाना क्या खाएंगे, घर जाके मन नहीं करेगा कुछ बनाने के लिए, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा हैवी खा ले। हैवी में डोसा आता है और भी जो भी कुछ फास्ट फूड, लेकिन डोसा खाया, मुझे मन था डोसा खाने के लिए, डोसा भी बहुत अच्छा लगता है बेंगलोर में, डोसा मुझे बहुत पसंद है। डोसा खाया, डोसा खा के फिर घर आ गई। यहीं तक था ब्लॉग। ओके गाइस, चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नया ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू गाइस, गुड नाइट।